हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छा है। आज मैं एक डिज़ाइन टाइल्स बना रहा हूँ। ये डिज़ाइन टाइल्स के लिए पिछले वीडियो में भी मैं दिखाया था जैसा बेसिक टाइल्स कैसे बनाते, तो एक टाइल्स बना लेते। उसके बाद मैं एक काम करेंगे, पुराना कुछ डिज़ाइन है मेरा पास, तो वो डिज़ाइन लेके और नया कुछ बना के एक टाइल्स बनाने का कोशिश करूँगा। ये देखिए, पुराना टाइल्स से मैं उठा के जो ग्रीन क्ले उससे उठा के इसमें अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कॉर्नर जो हिस्सा है इसको काट करके इसको अटैच कर लिया। अभी जो ब्लैंक हिस्सा है इसमें कुछ नया बनाने का कोशिश करूँगा। तो ये डिज़ाइन जो है, ये आप सोचिए मोल्ड होगा, कास्टिंग होगा, तो चार पीस जब कास्टिंग हो जाएगा तो ये चार पीस लेके एक पूरा डिज़ाइन बन जाएगा, तो ये मल्टीपल प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। इसके लिए मैं इसको POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसका मोल्ड करेंगे और कास्टिंग भी करेंगे, ठीक है। तो सेंटर में एक डिज़ाइन बना के इसमें मिट्टी चढ़ा लेते हैं। ये सेम प्रोसेस है, पिछले वीडियो में भी जिस हिसाब से दिखाया उस हिसाब से इसको मिट्टी ऐड कीजिए डिज़ाइन को फॉलो करके, ठीक है। देखिए, हर फ्रेंड का ये क्वेश्चन आता है हर बार जो क्ले के बारे में। एक्चुअली ये जो ब्लैक कलर का जो क्ले है, मतलब एस कलर का, ये क्ले मेनली साउथ मतलब कोलकाता, डायमंड हार्बर, ये गंगा नदी जो है इसका एरिया में ये क्ले अवेलेबल है। ये नेचुरल क्ले है, मतलब पोली मतलब जो पानी का जो नीचे वाला हिस्सा में जो फाइन एक क्ले मिलता है उसमें प्लास्टिसिटी भी है और फाइन सैंड भी है, मतलब सैंड डस्ट, तो ये मिला के नेचुरल ये मिल जाता है, अवेलेबल है। इसमें ज़्यादा कोई इसमें मेहनत करने का कोई ज़रूरी नहीं होता है, ये लाकिली हमारा इधर बहुत मिलता है, ठीक है। तो मार्केट में जिस हिसाब से क्ले मिलता है, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने यूज़ नहीं किया, करने का ज़रूरी भी नहीं हुआ अभी तक, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा मिट्टी है, मतलब कोई मॉडलिंग के लिए, कोई रिलीफ के लिए बहुत ही अच्छा क्ले है, ठीक है। तो देखिए, इसमें एक डिज़ाइन रिलीफ एक मोटा मोटा डिज़ाइन बन गया। उसके बाद इसमें जो होगा डिटेलिंग, ठीक है। तो ये डिटेलिंग के लिए फिर से वही प्रोसेस है, वुडन टूल्स लेके इसका बॉर्डर लाइन फिनिश कर लेते हैं, चियर से इसको और भी अंदर से स्कूप करके कोई डेप्थ निकाल लेते हैं। मतलब क्या होगा, जब आप दूर से ये टाइल्स को देखेंगे, डिज़ाइन को देखेंगे, तो लाइट एंड शैडो में इसका डेप्थ नज़र आएगा, ठीक है ना, नहीं तो फ्लैट लगेगा। तो इसके लिए जितना हो सके, और ऐसा भी ना हो जाए जी आप सोचिए मोल्ड ले लिया, कास्टिंग करने का टाइम इसमें परेशानी आ जाए, ठीक है। तो फ्रेंड, बहुत जल्दी जल्दी मेरे को दिखाना पड़ रहा है, तो फिलहाल इसमें समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। आप लोगों का कोई क्वारी हो, कोई क्वेश्चन हो, मेरे को कमेंट में डाल दीजिए, मैं आंसर दे दूँगा, ठीक है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आप लोगों का सब वीडियो पहले दिखा दें।